अस्सलाम वालेकुम। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से एक सर्कुलर 25 मार्च 2021 को जारी किया गया है। इसके मुताबिक मुंतखब करदा पैफ स्कूल्स में लार्ज स्केल असेसमेंट का इनकाद किया जा रहा है। आपको मुतले किया जाता है कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन 3-6 मई 2021 लार्ज स्केल असेसमेंट मुनक़िद करने के लिए कुछ पैफ स्कूल्स मुंतखब कर चुकी है। मुंतखब शुदा स्कूल्स की फहरिस्त वेबसाइट पर दी गई है। टेस्ट की तफसीलात कुछ इस तरह होंगी। नंबर 1, जमात पंजम और हशतम के 100% ALP में से इम्तिहान होगा। नंबर 2, ये टेस्ट 4 बुनियादी मजामीन उर्दू, अंग्रेज़ी, रियाजी और साइंस का होगा। एक दिन में सिर्फ एक मजमून का पेपर होगा। नंबर 3, उर्दू और अंग्रेज़ी मजमून की असेसमेंट के लिए रीडिंग एंड लर्निंग टेस्ट भी होगा। नंबर 4, टेस्ट के लिए रैंडम बुनियादों पर एक जमात में से कम अज़ कम 10 बच्चों का इंतखाब इम्तिहान के पहले रोज़ कर लिया जाएगा। और आपसे गुजारिश है कि 3-6 मई 2021 के दरमियान जमात पंजम और हशतम के तलबा की हाज़िरी यकीनी बनाएं। नंबर 5, असेसमेंट के पहले दिन मुंतखब होने वाले तमाम बच्चे तमाम मजमून का इम्तिहान देंगे। नंबर 6, असेसमेंट के सवालात कसीरुल इंतखाबी यानी MCQs और इंशाया CRQs तर्ज के होंगे। नंबर 7, मुंतखब तलबा के साथ साथ उनके वालिदैन और मुतलका मजामीन पढ़ाने वाले असातिज़ा और हेड असातिज़ा से सर्वे बजरिया इंटरव्यू किया जाएगा। नंबर 8, इम्तिहानी अमले के पास पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की जानिब से जारी करदा एक खत मौजूद होगा, लिहाजा आप इस खत के हामिल अमला से मुकम्मल तआमुन फरमाएंगे। एक बात याद रखें कि इस इम्तिहान का पैफ की जानिब से लिए जाने वाले QAT से कोई ताल्लुक नहीं होगा। इसका मकसद सुबह पंजाब में जमात पंजम और हशतम की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लेना है। वीडियो देखने का शुक्रिया।